नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राहु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में, राहु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में वृषभ राशि वाले के लिए बड़ा ही अच्छा योग लेके आएगा। राहु क्या है? तो राहु आपके फ्यूचर हैं, वही केतु आपके प्रारब्ध हैं, राहु माया है, राहु जादूगरी का खेल है। राहु को हम प्रायः देखते हैं समुद्र मंथन से राहु को जोड़ा जाता है, राहु को काल सर्पयोग से जोड़ा जाता है, राहु को प्रभु शिव से भी जोड़ा जाता है। राहु सांप है और केतु पूंछ है। सांप हमेशा शिव जी के गले में लिपटे हुए रहते हैं। राहु जहर का भी कारक है, केतु मोक्ष का भी कारक है। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो राहु भगवान बनने की कोशिश किए समुद्र मंथन में अमृत पीने के लिए, हालांकि कुछ बूंद उन्होंने पी लिया, फिर भी न राहु भगवान बन सके, न राहु अपने आप को दानव के रूप में स्थापित कर पाए। राहु देवता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु असल में दानव है। सागर मंथन से भी जोड़ा जाता है, सर्प से भी इसका संबंध बहुत ही गहरा है, काल सर्प योग का निर्माण होता है। राहु ऐसे ग्रह हैं जो राजा को रंक बना देते हैं अगर अशुभ प्रभाव दिए तो, और रंक को राजा बना देते हैं अगर शुभ प्रभाव दिए तो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि राहु का निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपके चंद्रमा पे डिपेंड करता है, आपके सोच पे डिपेंड करता है, आपके बुध पे भी डिपेंड करता है। राहु आपके सोच में अगर निगेटिव है, आपके सोच अगर निगेटिव हैं, तो ऐसे समझ लें आप कि जब सोच निगेटिव होगा तो राहु आपके साथ बड़ा ही निगेटिव प्रभाव देगा, आपको गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर राहु सही दिशा की ओर तब ले जाने की कोशिश करेगा जब आपके सोच पॉजिटिव होंगे। सोच कैसे पॉजिटिव होंगे? चंद्रमा अगर किसी के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के बाद और शुक्ल पक्ष के षष्ठी के पहले का चंद्रमा है तो आपके सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगी। क्या है कि चंद्रमा की किरणें नहीं के बराबर है, चंद्रमा अस्तगत हैं, तो राहु आपको निगेटिव भी सोच दे सकते हैं। तो आइए राहु क्या देंगे क्या नहीं देंगे इस पर चर्चा करते हुए अब ये देखें हम कि वृषभ राशि में राहु का प्रभाव क्या होता है। अब हम देखते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से 5:35:29 में राहु मीन राशि तथा रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। मीन राशि बृहस्पति देव का राशि है, बृहस्पति देव का ये दूसरी राशि है। बृहस्पति की पहली राशि धनु जो अग्नि तत्व हैं, अब बृहस्पति की दूसरी राशि मीन जो जल तत्व हैं। राहु इसमें ट्रांजिट करेंगे और राहु उल्टा चलते हैं तो सबसे पहले रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। रेवती नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र में आता है और जब राहु मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो राहु रहेंगे रेवती नक्षत्र में। राहु 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक बुध के रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों का जन्म वृषभ राशि में
तीन नक्षत्र आता है, कीर्तिका तीन चरण, रोहिणी चार चरण, मृगशिरा दो चरण। कीर्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और राहु के ट्रांजिट के समय सूर्य तुला राशि में रहेंगे। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और साथ ही साथ सूर्य के मंगल और बुध भी रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक बुध के रेवती नक्षत्र में रहेंगे और बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। राहु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं तो बृहस्पति का बल कहां है? बृहस्पति का बल है आपके गुरु इस समय रहेंगे रेट्रोग्रेड। गुरु रेट्रोग्रेड रहेंगे। गुरु किसके नक्षत्र में रहेंगे? भरणी नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र देव आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। शुक्र सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो जो व्यक्ति का जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिन व्यक्तियों का जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, उन व्यक्ति के लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन तय है। जो व्यक्ति इंडियन फॉरेन सर्विस में है, विदेश ट्रांसफर होना आपका तय है। जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, विदेश भ्रमण होगा, काफी लाभ होगा आपको। जो व्यक्ति पत्रकार हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो मैनेजमेंट सेक्टर में है, आपके लिए भी समय अच्छा होगा। राहु मीन राशि में रहकर सबसे ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। बृहस्पति के प्रभाव में या बृहस्पति की राशि में आकर, और बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव आपके मीन राशि पे भी पड़ रहा है 50%। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। रुके हुए काम, वृषभ राशि वाले जिनका काम रुका हुआ है, जिसका जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सारे चीज आपके प्लस हो जाएंगे। दवा के विक्रेता के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति बिल्डर हैं, आपके लिए अचानक अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन शत्रु रहेंगे आपके काफी, शत्रु से आपको हानि नहीं होगी, शत्रुओं को आपसे हानि होगी, लेकिन शत्रुता लोग आपसे करते ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि शनि देव यहां बैठे हुए हैं 10th स्थान में, और 10th स्थान में भी शनि रेट्रोग्रेड हैं, तो 10th स्थान में शनि अगर रेट्रोग्रेड हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके बृहस्पति देव पर, तो आप जान लें कर्म के क्षेत्र में आपकी काफी उन्नति होगी। वृषभ राशि वाले जिनका जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, अब हम ये देखें कि जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा आपके कुंडली में 3rd स्थान के स्वामी हो जाएंगे। तो अगर कृष्ण पक्ष के खष्टी के बाद जन्म है, शुक्ल पक्ष के खष्टी के पहले जन्म है आपका, तो राहु का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति विशेष करके इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपको हानि होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। आप हर तरह से विदेश निवेश से बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है, विदेश में निवेश न करें तो ज्यादा अच्छा है। जिन व्यक्तियों का जन्म शुक्ल पक्ष के खष्टी के बाद और कृष्ण पक्ष के खष्टी के पहले हुआ, आप ये जान लें कि आपके लिए राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे, लेकिन मन आपका काफी बेचैन रहेगा। आप अपने सोच से ही राहु का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके सोच पॉजिटिव हुए,
तो आपका काफी अच्छा समय आ जाएगा। खास करके जो व्यक्ति पत्रकार हैं, जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं, जो व्यक्ति फूड ग्रेन्स का काम करते हैं, जो व्यक्ति चमड़े उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा आ जाएगा वृषभ राशि वाले। लेकिन सोच आपकी अगर निगेटिव हुई तो काफी आपको नशीले पदार्थ की आदत लग जाएगी। नशीले पदार्थ को लेकर आप काफी परेशान रहेंगे। नशीले पदार्थ का काफी उपयोग कर सकते हैं आप। मन आपका काफी बेचैन रह सकता है। कोई भी काम आप स्थिर होकर नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। अब हम आते हैं 8 जुलाई 2024 से, जब राहु शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। जब राहु शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो जिनका जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, शनि देव आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य नीच के होके बैठे हुए हैं आपका सप्तम स्थान में, 30 अक्टूबर 2023 से लेके 8 जुलाई 2024 तक। तो आप ऐसा ध्यान दें कि शनि के नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो शनि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, शनि आपके लिए कर्मेश हैं और शनि आपके भाग्येश हैं। शनि अच्छे ग्रह हैं आपके। शनि रहेंगे आपके इस समय घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। मंगल देव आपके शुरुआत में रहेंगे छठे स्थान पर, मंगल फिर जाएंगे सातवें स्थान पर। तो छठे स्थान में भी मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आवेंगे। जब राहु रहेंगे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में तो कीर्तिका नक्षत्र वाले काफी मेहनत करना होगा आपको। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मेहनत करेंगे तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर से थोड़े से आप परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है आपके लिए अच्छा समय होगा। जब राहु 8 जुलाई 2024 से शनि के नक्षत्र में रहेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बिना मेहनत किए हुए कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है। कठिन परिश्रम करके ही फल की प्राप्ति कर सकते हैं आप। सोलह मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति उस समय आपके लग्न में बैठे हुए रहेंगे। तो कीर्तिका नक्षत्र वाले काफी मान सम्मान से आप नवाजे जाएंगे। जिनका जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए भी काफी अच्छा समय आ जाएगा। अब हम यहां देखते हैं कि राहु जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा मृग का यानी हिरण का सिंह, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और राहु के ट्रांजिट के समय, जिस समय राहु ट्रांजिट करेंगे उस समय मंगल आपके छठे स्थान पर रहेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, आपके लिए राहु का ट्रांजिट बड़ा ही सुंदर योग लेके आएगा। मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में केवल दो ही चरण पड़ता है, तो राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही सुंदर संयोग लेके आएगा। लेकिन जीवन साथी से थोड़े से प्रॉब्लम होने की संभावनाएं आपके ज्यादा हैं। जो व्यक्ति तलाक का अर्जी दिए हुए हैं उनके के लिए समय ज्यादा भारी पड़ेगा। वाहन सावधानी से आपको चलाने की जरूरत पड़ेगी। राहु रहेंगे बुध के नक्षत्र में। जो व्यक्ति मैनेजमेंट क्षेत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले, जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, जो व्यक्ति टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं,
जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर समय आ जाएगा। जिन व्यक्तियों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वृषभ राशि वाले जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनका राहु का पोजीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। खास करके जो दवा के व्यापारी हैं, जो बहुत दिन से परेशान हैं, जो पुलिस सेवा में हैं बहुत दिन से परेशान हैं, जो स्टूडेंट हैं प्रतियोगिता परीक्षा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। यानी 30 अक्टूबर से लेके 8 जुलाई 2024 तक राहु का मीन राशि में राशि परिवर्तन, रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, बुध आपके कुंडली में धनभाव के स्वामी हैं, बुध आपके कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, व्यापार में काफ़ी लाभ होगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके के लिए बेहतर से बेहतर समय आ जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले वृषभ राशि, आपके लिए राहु का ट्रांजिट बेहतरीन पहलू लेके आएगा, बेहतरीन समय लेके आएगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेके 8 जुलाई 2024 तक जब तक राहु बुध के नक्षत्र में रहेंगे, 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु रहेंगे शनि के नक्षत्र में। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, भाग भाव के स्वामी हैं, शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, शनि कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाता है 8 जुलाई 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 के बीच बृहस्पति के ट्रांजिट हो जाते हैं, बृहस्पति चले जाते हैं आपके आपकी राशि पर, और शनिदेव की दृष्टि से बृहस्पति हट जाते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही थी 12वें स्थान पर रहने के कारण, वहां से आपको मुक्ति मिलेगा। तो बृहस्पति आपके लग्न में चले जाएंगे, बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, मान सम्मान से आप काफी नवाजे जाएंगे, काफी मान सम्मान आपको मिलेगा। अब यहां देखते हैं कि मंगल इस समय रहते हैं आपके मेष राशि में, जो 12वें भाव की आपकी राशि है, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इस समय शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। विदेश से आपको काफी लाभ होने जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं लाभ होगा, जो जमीन जायदाद का काम करते हैं थोड़े से नुकसान हो सकता है आपको। घटना दुर्घटना के थोड़े से योग रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र वाले। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। तो मृगशिरा नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 8 जुलाई 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 तक का समय। अब 16 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, और राहु बैठे हुए भी हैं बृहस्पति की राशि में। राहु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व में किए हुए हर काम का आपके पास रिजल्ट्स मिलेगा। पूर्व में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद किए हैं, काफी अच्छे ढंग से लोगों की सेवा किए हैं, पुण्य किए हैं, उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक, यानी वृषभ राशि वाले जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्राकर्म आपका काफी भरा हुआ रहेगा। विदेश से आपको काफी लाभ होने जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कहाँ है पूरे पूरे राहु का ट्रांजिट में, वो प्रॉब्लम है आपके दाम्पत्य जीवन पर।
आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार लाना होगा, आपको अपने सोच बदलने होंगे। तो आप अगर अच्छे सोच पे चलते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। मृगशिरा नक्षत्र वाले जो वृषभ राशि में जन्म हुआ है, जिनका नक्षत्र मृगशिरा है, केस मुकदमा अगर आप पर लगा हुआ है तो केस मुकदमा में आप विजयी होंगे, केस मुकदमा का निपटारा होगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जिनका जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में, उनके के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जिनका जन्म हुआ है कीर्तिका नक्षत्र में, आपके लिए भी अच्छा रिजल्ट होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, थोड़े से रिजल्ट्स आपके सोच पे डिपेंड करेंगे, लेकिन विदेशों से आपको काफी लाभ होने वाला है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लाभ होगा। तो राहु का ट्रांजिट वृषभ राशि वाले के लिए करीब करीब अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बहुत दिन के बाद 18 साल से आप परेशान हैं वृषभ राशि वाले, हर तरफ से आप परेशान हैं, परेशानी आपकी खत्म हो रही है। सोच आपको अच्छे रखने होंगे, सोच पॉजिटिव रखना होगा। गलत काम की ओर अग्रसित आपको नहीं होना है। गलत काम की ओर अगर आप अग्रसित होते हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। राहु का निगेटिव सोच जहां हो जाएगा वहीं आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। केतु उस समय पंचम में बैठे हुए रहेंगे आपके। तो जिनको संतान नहीं है, संतान होने की भी स्थिति बनेगी वृषभ राशि वाले। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी होने की स्थिति बनेगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, काफी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, काफी सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको। मिसकैरेज होने का संभावना आपका बनता है। तो कुल मिलाकर राहु केतु आपको बहुत दिनों से जो परेशान किए हुए थे, हर तरह से आपको धन संपत्ति का अभाव हो रहा था, तो धन संपत्ति का सारे अभाव आपके खत्म होंगे। और अच्छा समय वृषभ राशि वाले, राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 से जो होने जा रहा है 18 मई 2025 तक जो रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको मृगशिरा नक्षत्र वाले के लिए, जो दवा का काम करते हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा मृगशिरा नक्षत्र वाले। जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उनके के लिए रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बुरा भी नहीं होगा। जिनका जन्म हुआ है कीर्तिका नक्षत्र में, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, तीनों नक्षत्र में जन्म लेने वाले, सबसे पहले कीर्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ावें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। जिनका जन्म कीर्तिका नक्षत्र में हुआ है, गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। अब जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है वृषभ राशि वाले, आप सोमवार के सोमवार शिवालय जरूर जाएं, गाय का कच्चा दूध में थोड़े से मिश्री मिलावें, केसर मिलावें और शिवलिंग पर आप चढ़ावें और इस मंत्र का जाप करें। हमेशा इस मंत्र का जाप करें, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जिन व्यक्तियों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, आप प्रति मंगलवार सुंदरकांड का जरूर पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, आपको काफी लाभ होगा। राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर से वृषभ राशि वाले, शुभ परिणाम आपके लिए लेके आ रहा है। आज का वीडियो इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में। नमस्कार।